गरीब का आशियाना गिरा तो मदद के लिए पहुंचे खेल एवं राज्य मंत्री संदीप सिंह। पिहोवा में लगातार हो रही बारिश के कारण गांव लोहार माजरा में सुबह 8:30 बजे राजकुमार लोहार माजरा निवासी की कच्ची छत उसके परिवार पर गिर गई, जिसमें राजकुमार की पत्नी व उसकी 13 वर्षीय बेटी व एक बेटा बुरी तरह जख्मी हो गए, जिनको ग्रामवासियों की मदद से इलाज के लिए कुरुक्षेत्र NJP हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। राजकुमार रिक्शा चलाकर अपने परिवार का गुजारा करता है। जब इस बात की खबर खेल राज्य मंत्री को मिली तभी वे सीधा चंडीगढ़ से लोहार माजरा गांव राजकुमार के घर जायजा लेने के लिए पहुंचे। जब उन्होंने देखा कि गरीब परिवार का आशियाना पूरी तरह से बरसात में नष्ट हो गया है तो उन्होंने अपने निजी कोष से 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। इसके बाद परिवार व गांव वासियों ने खेल मंत्री का तहे दिल से धन्यवाद किया। इसके बाद खेल मंत्री पहुबा पहुंचे और लोगों की समस्याएं सुनी और जल भराव का जायजा भी लिया। ये लोहार माजरे में डेरा है, इसमें बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है सुबह, और इसमें अपनी तरफ से निजी कोष से मैं इन परिवार को 2 लाख रुपए दे रहा हूँ, और साथ ही में इनके इलाज के लिए कुरुक्षेत्र में बात होती है, कुछ भी दिक्कत आएगी उसके लिए भी मैं तैयार हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि ये बड़ी जल्दी स्वस्थ हूँ अपने परिवार में। सर, पेहवा पानी की निकासी को लेकर आपने दौरा किया था वहाँ? पेहवा को लेकर देखिए जी, जितना जहाँ जहाँ पानी इकट्ठा होता है, चाहे शहर हो चाहे शहर के साथ में मार्केट हो, तो सभी जगह पर मैंने SDM और हमारे म्यूनसिपल सेक्रेटरी को दे दिए हैं कि, और पब्लिक हेल्थ के एक्शन को, कि इसमें कोई भी पानी जो है बरसात में जब इकट्ठा हो इमीडिएटली इसको निकाला जाए। उसके लिए मोटर पम्प जो वाटर पम्प होते हैं वो लगाए गए हैं, और साथ ही अगर एक्स्ट्रा की जरूरत पड़े तो उसका भी आदेश दिया। पिहोवा से जसविंदर सिंह राज की रिपोर्ट। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।